कॉलेज बनाई हूं के फिजिक्स डिपार्टमेंट में एसोसिएट प्रोफेसर हूं और हेड के रूप में काम कर रहा हूं। फिजिक्स के कुछ टॉपिक्स और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को मैंने वीडियो के जरिए आपके सामने रखा है, जो कि विशेष रूप से इंजीनियरिंग और बीएससी के स्टूडेंट्स के लिए बहुत लाभप्रद होंगे। इन वीडियोस को प्रारंभ से और अंत तक ध्यानपूर्वक देखिए और ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। आज का टॉपिक है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, गैलीलियो रूपांतरण। रूपांतरण शब्द का अर्थ देखें पहले, जैसा कि नाम से लग रहा है, रूप का अंतर। अगर किसी सेंटेंस को, अगर किसी स्टेटमेंट को, किसी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को एक से दूसरे रूप में इस प्रकार से चेंज किया जाता है, परिवर्तित किया जाता है कि इसके मूल अर्थ में, मूल मान में कोई परिवर्तन ना हो, तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं रूपांतरण या ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे हम कहते हैं कि राम इज ए गुड बॉय, एक सिंपल सेंटेंस, इसे हमने कन्वर्ट किया निगेटिव में और हमने कहा राम इज नॉट ए बैड बॉय, तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन। अगर एक्स की वैल्यू है 3+5 तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू 10-2। क्या हुआ, ये एडिशन का प्रोसेस है और ये सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस, लेकिन x की वैल्यू में कोई चेंज नहीं है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं रूपांतरण या ट्रांसफॉर्मेशन। गैलीलियो एक वैज्ञानिक थे और उन्होंने भी एक मूविंग पॉइंट की पोजिशन को, वेलोसिटी को और एक्सिलरेशन को दो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ऑब्जर्व किया, एक स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस और एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चलने वाला इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और इनके कोऑर्डिनेट्स को, वेलोसिटीज को और एक्सीलरेशंस को स्पेसिफिक मैथमेटिकल इक्वेशंस के द्वारा एक दूसरे से संबंधित किया, और इन इक्वेशंस को हम लोग कहते हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस, और यह प्रोसेस कहलाता है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। राइट, आइए प्राप्त करते हैं गैलीलियन के ट्रांसफॉर्मेशन। सबसे पहले हम लोग डाइव करने जा रहे हैं गैलीलियन पोजीशन ट्रांसफॉर्मेशन, गैलीलियो के स्थिति रूपांतरण। गैलीलियो ने दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिए, दो नए इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस और एक एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एस स्टेशनरी है यानी इसमें एक्सीलरेशन जीरो है, और एस डैश एक कॉन्स्टेंट वेलोसिटी वी से मूव कर रहा है, और क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है इसलिए इसका भी एक्सीलरेशन जीरो है, इसलिए ये दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होंगे। एक मूविंग पार्टिकल है और वो पार्टिकल गति करते समय किसी समय टी पर, मान लीजिए पॉइंट पी पर स्थित है। इनिशियली एस और एस डैश दोनों एक ही स्थान पर थे, यानी ये ओवरलैप कर रहे थे और ओ डैश जो ओरिजिन था वो ओ से कॉम्पेयर कर रहा था। समय के साथ साथ एस स्थिर रहा और एस डैश मूव करना शुरू हुआ, टी समय के पश्चात इसकी पोजीशन ये हो गई जैसा कि दिखाया गया, और टी समय पर मूविंग पार्टिकल बिंदु पी पर है, एस के रिस्पेक्ट में पॉइंट पी के, यानी इसके जो मूविंग पॉइंट की पोजीशन है उसके पोजीशन कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई जेड टी, पोजीशन वेक्टर है आर वेक्टर, वेलोसिटी है यू और एक्सीलरेशन ए है ए, जबकि इस समय एस डैश फ्रेम यानी ओ डैश के रिस्पेक्ट में इसके पोजीशन कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स डैश वाई डैश जेड डैश और टाइम कोऑर्डिनेट है टी डैश, जबकि वेलोसिटी है यू डैश और एक्सीलरेशन है ए डैश। तो अगर हम लोग फ्रेम एस में लें तो फ्रेम एस में इसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई जेड और पोजीशन वेक्टर है आर, तो आर वेक्टर को आप लिख सकते हैं आई एफ प्लस जे वाई प्लस के जेड, और अगर ये आर पोजीशन वेक्टर है तो इसकी वेलोसिटी यू बराबर होगी डी आर ओवर डी टी और एक्सीलरेशन बराबर होगा डी यू ओवर डी टी। फ्रेम एस में, फ्रेम एस डैश में कोऑर्डिनेट्स ये हैं, पोजीशन वेक्टर ये है और समय टी डैश, तो बिल्कुल इसी गाइडलाइंस पर इसी के अनुसार हम एस डैश फ्रेम में लिख सकते हैं पोजीशन वेक्टर आर डैश को इस प्रकार से, वेलोसिटी यू डैश को इस प्रकार से और एक्सीलरेशन ए डैश को डी यू डैश ओवर डी टी डैश के अनुसार, जबकि ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है एस के रिस्पेक्ट में एस डैश, इसलिए एस डैश इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की वेलोसिटी वी को हम लिख सकते हैं आई वी एक्स प्लस जे वी वाई प्लस के वी जेड, जो कि कांस्टेंट वेलोसिटी होगी। अगर इनिशियली ओ और ओ डैश कॉन्साइड कर रहे थे और ओ डैश यानी एस डैश फ्रेम वी वेग से चलता हुआ टी समय के पश्चात यहां से यहां पहुंचता है तो ऑब्वियसली ओ डैश विस्थापन कितना होगा वी टी। इस फिगर से अगर हम देखें तो ओ डैश वेक्टर
प्लस ओ डैश पी वेक्टर बराबर होगा ओपी, यानी ओपी जो है वो ओ डैश वेक्टर और ओ डैश पी वेक्टर का रिजल्टेंट है। ओ ओ डैश प्लस ओ डैश पी चित्र में लेंगे इज इक्वल टू होगा ओपी, तो ओ डैश पी इज इक्वल टू क्या होगा ओपी माइनस ओ ओ डैश। ओ डैश पी को हमने लिखा है आर डैश, ओपी को लिखा है आर और ओ ओ डैश को लिखा है वी। आर आर डैश और वी की वैल्यू अगर हम रखें तो ये प्राप्त होता है, और दोनों तरफ अगर हम आई जे और के कोफिशियंट को इक्वेट करें, यहां पर होगा एच डैश, यहां आई का कोफिशियंट होगा आई माइनस वी एक्स इंटू टी, सिमिलरली इधर जे का कोफिशियंट होगा वाई डैश, यहां होगा वाई माइनस वी वाई टी एंड सो ऑन। तो इनको कंपेयर करने पर हमें क्या मिलता है, दोनों तरफ इनकी तुलना करने पर एच डैश इज इक्वल टू दिस मच, वाई डैश इज इक्वल टू दिस मच, जेड डैश इज इक्वल टू दिस मच, जेड माइनस वी जेड टी। जबकि गैलीलियो कहते हैं कि समय पर वेग का कोई प्रभाव नहीं होता है, इसलिए टी डैश बराबर टी होगा, जो समय एच डैश फ्रेम में प्रतीत होगा वही हमें एस फ्रेम में प्रतीत होगा। ये एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश जेड जेड डैश टी टी डैश को संबंधित करने वाली इक्वेशन है, स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट्स को संबंधित करने वाली इक्वेशन है, इसलिए हम इनको कहते हैं गैलीलियन पोजिशन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, और ये प्रोसेस कहलाता है गैलीलियन पोजीशन ट्रांसफॉर्मेशन। बिल्कुल इसी प्रकार से आप निकाल सकते हैं गैलीलियो के वेग रूपांतरण या गैलीलियन वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए किस प्रकार से हम इन्हें प्राप्त कर सकते हैं, गैलीलियन वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन, इफ वी डिफरेंशिएट इक्वेशन थ्री विद रिस्पेक्ट टू टी, व्हाट वी गेट, टी के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट कर दें तो हमें मिलेगा डी आर डैश ओवर डी टी इज इक्वल टू डी आर ओवर डी टी माइनस वी, टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पर। लेकिन पोजिशन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या कहती है कि टी डैश इज इक्वल टू टी, इट मीन्स डी टी डैश इज इक्वल टू डी टी, इस dt को हम रिप्लेस कर दें इस dt डैश से। क्यों करते हैं, क्योंकि ये s डैश फ्रेम में पोजीशन कोऑर्डिनेट है और ये पोजीशन ये टाइम कोऑर्डिनेट है s डैश फ्रेम में, तो इसको हमने पूरा s डैश फ्रेम में कन्वर्ट किया, तो ये हो गया dr डैश ओवर dt डैश, दिस इज dr ओवर dt माइनस v, dr डैश ओवर dt डैश u डैश है और dr ओवर dt u है, तो हमें क्या मिलेगा u डैश इज इक्वल टू यू माइनस वी। ये इक्वेशन क्या बता रही है, मूविंग पार्टिकल की वेलोसिटी u s फ्रेम में और मूविंग पार्टिकल की वेलोसिटी u डैश s डैश फ्रेम में परस्पर संबंध, इसे हम कहते हैं गैलीलियन वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन, और ये कहलाती है गैलीलियन वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। बिल्कुल इसी प्रकार से हम निकाल सकते हैं गैलीलियन एक्सीलरेशन ट्रांसफॉर्मेशन, गैलीलियो के त्वरण रूपांतरण कैसे निकाल सकते हैं, इसको फिर डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टी, इक्वेशन फाइव को टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पर हमें क्या मिलेगा डी यू डैश ओवर डी टी इज इक्वल टू डी यू ओवर डी टी माइनस जीरो, वाई बिकॉज वी इज ए कॉन्स्टेंट। अगेन टी डैश इज इक्वल टू टी एंड डी टी डैश इज इक्वल टू डी टी, सो वी कैन राइट डी यू डैश ओवर डी टी डैश, इस डी टी को हमने डी टी डैश से रिप्लेस कर दिया, दिस इज डी यू ओवर डी टी। डी यू ओवर डी टी क्या है ए, और डी यू डैश ओवर डी टी डैश क्या है ए डैश, ए डैश इज इक्वल टू ए, एस डैश फ्रेम में मूविंग पार्टिकल का एक्सेलरेशन और एस फ्रेम में मूविंग पार्टिकल का एक्सेलरेशन, और ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करती है, ये बताती है गैलीलियन एक्सेलरेशन ट्रांसफॉर्मेशन, गैलीलियो के त्वरण रूपांतरण। एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन इस पूरे मैथमेटिकल डिस्कशन से हमारे सामने आता है, क्या है कि अगर एक मूविंग पार्टिकल को दो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ऑब्जर्व किया जाता है, एक स्टेशनरी है और एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है,
तो उनके पोजीशन कोऑर्डिनेट्स अलग अलग होंगे, उनकी स्थितियां हमें अलग अलग प्रतीत होंगी, उनके स्थिति निर्देशांक हमें अलग अलग प्रतीत होंगे, उस मूविंग पार्टिकल की वेलोसिटी हमें दोनों में अलग अलग प्रतीत होंगी, यू और यू डैश बराबर नहीं है, लेकिन उनके एक्सीलरेशन हमें समान प्राप्त प्रतीत होंगे क्योंकि ए बराबर है ए डैश। इसको व्यावहारिक रूप में हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक ट्रेन जा रही है और उस चलती हुई ट्रेन को प्लेटफॉर्म पर खड़ा हुआ एक व्यक्ति देखता है और दूसरा एक व्यक्ति मोटरसाइकिल से या बाइक से जा रहा है और वो उस ट्रेन को देखता है। तो स्थिति क्या है, ट्रेन एक मूविंग पार्टिकल है, प्लेटफॉर्म पर खड़ा हुआ व्यक्ति स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस है और जो बाइक से जा रहा है वो कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से, वो एक मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस डैश है। तो मूविंग पार्टिकल यानी ट्रेन की स्थिति पोजीशन कोऑर्डिनेट हमें प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए व्यक्ति यानी एस फ्रेम और बाइक से जाते हुए व्यक्ति यानी एस डैश फ्रेम में अलग अलग प्रतीत होंगे। उस ट्रेन की वेलोसिटी प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए व्यक्ति यानी एस फ्रेम में और बाइक से जाते हुए व्यक्ति यानी एस डैश फ्रेम में, दोनों को ट्रेन की वेलोसिटी अलग अलग प्रतीत होगी, लेकिन उस ट्रेन का एक्सीलरेशन जो व्यक्ति प्लेटफॉर्म पर खड़ा है उसको भी वही प्रतीत होगा जो बाइक पर चल रहा है उसको प्रतीत होता है, यानी एक्सीलरेशन दोनों को एक समान प्राप्त होगा प्रतीत होगा, जबकि वेग अलग अलग प्रतीत होंगे और दोनों के सापेक्ष चलती हुई ट्रेन की स्थितियां भी भिन्न भिन्न होंगी। दिस इज ऑल अबाउट गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि ये बताती है कि वेग का कोई प्रभाव, जो इस आधार पर आधारित है यूं कहना बेहतर होगा कि वेग का कोई भी प्रभाव समय पर नहीं होता है, वेलोसिटी पर होता है, एक्सीलरेशन पर होता है, पोजीशन कोऑर्डिनेट्स पर होता है, लेकिन गैलीलियो के अनुसार समय पर मूविंग पार्टिकल की वेलोसिटी का कोई प्रभाव नहीं।